नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में पिछले साल यानी साल 2023 में पटवारी भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे, उसके बाद से ही ये परीक्षा विवादों में आ गई थी। आरोप लगे कि परीक्षा में एक ही सेंटर में लगातार इतने टॉपर कैसे निकल सकते हैं। धांधली के आरोप लगे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच बैठा दी। जांच की रिपोर्ट आती है और उसके बाद आनन-फानन में सरकार इसमें भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। और अब एक बड़ी खबर है, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा में जो पटवारी चयनित हो गए थे उनकी पदस्थापना भी अब शुरू हो गई है। कलेक्टर जबलपुर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए उन चयनित पटवारियों के जो नाम है उसे सार्वजनिक किया है और बताया है कि किसको कहां पदस्थापना दी जा रही है। यह जबलपुर जिले की बता रहे हैं। ऐसे करीब 126 पटवारी हैं जिन्हें अब पदस्थापना मिल गई है, यानी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही अब उनको कहां पे पदस्थापना उनकी की गई यानी कहां पे उन्हें पोस्ट किया गया है, इसकी जानकारी जबलपुर कलेक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक कर दी है। अब एक तरफ इस पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के एक धड़ा जो है अभ्यर्थियों का, वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, वो मांग कर रहा है कि यदि जांच रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है तो उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है, क्यों उसे पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता है ताकि सब कोई उसे देख सके और आकलन कर सके कि क्या वाकई जो जांच रिपोर्ट सरकार ने बैठाई थी उसने सही रिपोर्ट दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा की खबर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले साल जब इसके नतीजे घोषित हुए थे तो काफी हंगामा हुआ था, धांधली के आरोप लगे थे। आरोप इसलिए ज्यादा लगे क्योंकि ग्वालियर जिले के एक निजी कॉलेज के का जो सेंटर था पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए, एमपी के 10 जो टॉप 10 पटवारी थे जो रिजल्ट में सामने आए थे उनमें से 7 टॉपर जो हैं उसी कॉलेज से निकले थे। यहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लगातार आंदोलन हुए, छात्रों के कई गुट जो हैं वो भोपाल में कई दिनों तक डटे रहे, उन्होंने सरकार से जांच की मांग की। मामला तेजी से फैला, मीडिया ने इस मामले को उठाया, सोशल मीडिया पे मुहिम चली तो फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करने की बात की। उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए, अगस्त 2023 तक ये जांच रिपोर्ट सामने आनी थी, पेश होनी थी, लेकिन हो नहीं पाया। उसके बाद आचार संहिता लग गई, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई, नई सरकार बनती है। उसके बाद जनवरी के महीने में अंतिम दिन 31 जनवरी को बताया जा रहा है कि सरकार के हाथ में जांच रिपोर्ट आ जाती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार आदेश जारी करती है कि चयनित पटवारी जो हैं उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए क्योंकि जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला है, यानी पटवारी भर्ती परीक्षा में कोई धांधली हुई ही नहीं थी। ये बात सरकार की तरफ से कही गई और उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले दस्तावेजों का सत्यापन होता है जिसके आधार पर ही फिर चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी पद मिलता है। कई दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान कई जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं पहुंचे चयनित पटवारी, क्योंकि उन्हें किसी अन्य विभाग में या तो जो उन्होंने परीक्षा दी थी उसमें भी उनका सिलेक्शन हो गया। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग वजहों से पटवारी में चयन होने के बावजूद नौकरी ज्वाइन नहीं की, लेकिन अब धीरे धीरे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद सरकार ने प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है इन चयनित पटवारियों को उनकी संबंधित तहसीलों में जाकर के पदस्थापना हासिल करने के लिए, और उसी की सूची जो है वो जबलपुर कलेक्टर की तरफ से भी जारी की गई है। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब इसी तरीके से अगले कुछ दिनों तक जो चयनित पटवारी है उनकी पदस्थापना होती रहेगी।